काल भैरव की सवारी कुत्ता क्यों है? काल भैरव भगवान शिव का उग्र रूप माने जाते हैं। उन्होंने काले कुत्ते को ही अपनी सवारी के लिए क्यों चुना? इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव के रक्त से भैरव की उत्पत्ति हुई थी। उनके साथ हमेशा एक काला कुत्ता रहता है। काल भैरव और कुत्ते का संबंध धार्मिक, पौराणिक और तांत्रिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कुत्तों को प्राचीन समय से ही सुरक्षा, चौकसी और निगरानी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। काल भैरव, जो समय के संहारक और न्याय के देवता माने जाते हैं, इस बात का मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे इंसान अपने जीवन में सुरक्षा और शांति प्राप्त कर सकता है। जिस तरह से काल भैरव को किसी से डर नहीं लगता है, वे शत्रु पर उग्र होकर हमला करते हैं, ठीक वैसे ही कुत्ते को अंधेरे और दुश्मनों से डर नहीं लगता है। इस गुण के कारण कुत्ता उनकी सवारी है। काला कुत्ता यमराज से भी जुड़ा हुआ है। यमराज के दूत, जिन्हें श्वान कहा जाता है, का प्रतीक भी कुत्ता है। काल भैरव और यमराज दोनों ही न्याय और मृत्यु से संबंधित हैं, इसलिए काले कुत्ते का वाहन के रूप में चयन प्राकृतिक और प्रतीकात्मक रूप से उचित माना जाता है। काले कुत्ते को काल भैरव के साथ जोड़कर यह संदेश दिया जाता है कि जो लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें नकारात्मक शक्तियों से कोई भय नहीं होता। तंत्र शास्त्रों में भी काल भैरव को विशेष स्थान दिया गया है। तांत्रिक काले कुत्ते को काल भैरव की सवारी मानकर उनकी पूजा करते हैं। भैरव को श्मशान निवासी बताया गया है। भैरव शरीर का नाश करके आत्मा को मुक्त करते हैं, इसलिए श्मशान में कुत्ते ही नजर आते हैं। इसलिए कुत्ता भैरव का साथी बना।